भिवाड़ी नगरी की आबोहवा एक बार फिर खराब हो चुकी है। नवंबर माह में एक या दो दिन छोड़कर भिवाड़ी का एक्यूआई स्तर 300 से 450 के बीच में बना रहा, जो बेहद खतरनाक स्तर है। प्रदूषण को कम करने के लिए भिवाड़ी प्रशासन के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए एक तरफ जहां पूरी प्रशासनिक मशीनरी अपने अपने स्तर पर बेहतर काम करने का दावा कर रही है, तो वहीं भिवाड़ी का लगातार बढ़ता प्रदूषण इन दावों की पोल खोल रहा है। सोमवार को शहर का एक्यूआई स्तर सुबह जहां 310 था, वहीं दोपहर होते होते वो 381 पर पहुंच गया। शहर पर धुएं की तरह प्रदूषण की चादर छाई हुई है। सोमवार को वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से आसमान में बादल भी छाए रहे और ठंडी हवा का दौर भी जारी रहा और हल्की बारिश भी हुई, लेकिन बावजूद उसके भिवाड़ी का प्रदूषण कम नहीं हुआ। वहीं रिकॉल यूनिट फर्स्ट में इतिहाद के तौर पर स्मोक गन को भी भिवाड़ी की सड़कों पर छिड़काव करने के लिए दौड़ा दिया है। रविवार से लगातार एक स्मोक गन मशीन छिड़काव कर रही है, तो वहीं दूसरी खस्ता हालत मशीन को भी ठीक करवाने का काम किया जा रहा है, जिसे ठीक होने के बाद छिड़काव के लिए लगाया जाएगा। इधर रीको आरएम ज्ञानेंद्र शर्मा ने बताया कि दिल्ली सहित एनसीआर और भिवाड़ी में प्रदूषण पंजाब की तरफ से आ रहा है। भिवाड़ी में प्रदूषण को कम करने के लिए सभी उचित प्रयास किए जा रहे हैं। सड़कों की साफ सफाई की जा रही है, तो वहीं छिड़काव करने के लिए स्मोक गन को भी लगाया गया है। एक दो दिन बाद ही दूसरी स्मोक गन को भी छिड़काव करने के लिए सड़क पर उतारा जाएगा। निर्माण कार्यों को बंद करने का काम किया जा रहा है। भिवाड़ी में 21 नवंबर को 362, 22 नवंबर को 298, 23 नवंबर को 330, 24 नवंबर को 352, 25 नवंबर को 383, 26 नवंबर को 381 और 27 नवंबर को 383 AQI का स्तर रहा।